नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या है। मैं TV9 चैनल में एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है हमारे स्टेट पर ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने का, जिसके लिए ऐतिहासिक जगहों की जानकारी चाहिए थी। तब मेरे हाथ कर्नाटक का गुमशुदा इतिहास नाम की किताब लगी। तब मुझे एक गांव के बारे में पता चला, उसका नाम है विक्रमातीर्थ। उस गांव की विशेषता ये है कि वहां के लोग गंधर्व जाति के हैं और सैकड़ों सालों से मैसूर के रहवासी हैं। सन 1764 में मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए उस गांव के रहवासी पलायन करके महाराष्ट्र की ओर चले गए, यानी आज का बेलगांव पहले कर्नाटक में था। वो लोग अपनी गंधर्व भाषा बोलने की बजाय मैसूर की कन्नड़ भाषा बोलते हैं और यही उन लोगों की विशेषता है। मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि आप जान सके कि उस गांव के बारे में जानने के लिए जब मैंने कर्नाटक का मैप उठाया तो मैप में उस गांव का कहीं नामों निशान नहीं है। बात की गहराई तक जाने के लिए मैंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंक्वायरी की। सभी का यही कहना था कि इस इलाके में इस नाम का गांव है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि एक पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतिहास की किताब में जो लिखा है क्या वो झूठ है। मेरी आपकी सरकार से विनती है कि आप उस गांव के बारे में छानबीन करें और मैं भी उस गांव का इतिहास क्या है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू दिव्या।